जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के तत्वावधान में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के सभागार में कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित अनुच्छेद 35A पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन, पूर्व केंद्रीय मंत्री अधिवक्ता जगदीप धनखड़, पद्मश्री जेएल कौल और डॉक्टर रवि मिश्रा उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में अनुच्छेद 35A पर चर्चा कर पीड़ित लोगों को समान नागरिकता का अधिकार दिलाने की वकालत जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन ने की। जगमोहन ने कहा कि समाज के लिए हम सभी का कर्तव्य है जो हमें अच्छे से निभाना पड़ेगा। सब लोगों की एक ड्यूटी है, वो ये है कि ये ऐसी चीजें जो होती हैं जो कि सोशल चेंज लाने के लिए, पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए, नेशनल चेंज लाने के लिए, उसके लिए एक जनरल मासेस का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इस फिल्म को देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्री के बाद, तो मैं ये एक, मैंने जब किताब लिखी थी उसमें ये मैंने लिखा था कि दे हैव क्रिएटेड ए लैंड विदाउट जस्टिस, ए लैंड फुल ऑफ क्रूडिटीज एंड क्रूरिटीज, एंड दिस हैज बीन डन इंटेंशनली, नॉट दैट दे वर नॉट नो, नॉट दैट वी डिडंट हैव द एडवोकेट्स हु न्यू व्हाट इट इज दिस, नॉट दैट वी डिडंट हैव द पार्लियामेंटेरियन हु डिडंट नो व्हाट द इम्प्लिकेशंस ऑफ ऑल दिस वर। आई हैव माइसेल्फ रिकमेंडेड मेनी टाइम्स दैट दिस इज एन एनोमली व्हिच यू मस्ट रिमूव, एंड इन 87 द मैटर वॉज टेकन टू द यूएन सुप्रीम कोर्ट। इन द सुप्रीम कोर्ट दे रिकग्नाइज्ड दैट दिस इज ए टोटली अनजस्ट थिंग, द वेस्ट बंगाल वेस्ट पंजाब रेफ्यूजीज हैव ए वेरी गुड केस एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक सम एक्शन, बट डिस्पाइट ऑल द एग्जॉर्टेशंस विच वर मेड द स्टेट गवर्नमेंट विल मूव, द सेंट्रल गवर्नमेंट हु वॉज फुल ऑफ very knowledgeable people, I suppose, they didn't move. Why? This nation lacks courage. Lacks courage to do the justice. Why did we accept this? Now, this has been very beautifully explained. There are children of these people, you know, they can't get admission in the school. They didn't come on their own. They came because of the compulsion or the partition which these politicians created. And they get 100% financial aid from the central government. All the medical colleges, all the engineering colleges, all the agriculture colleges are built with the finances of the central government, 100% with your taxpayer money. And there the Jammu and Kashmir, which get 100% financial aid from plan assistance, whereas other government may get only 30%, 66%, they get 90% grant. And yet they say, have the authority to say, we will not allow them admission, they are non-citizens. What is this? When, if I were the government to decide, I would have said, I suggested to the government also, why should you give them the grant for their particular matter? Give them the grant with the condition that you will admit all these students. You will admit all these, give them admission, give them all the, if you can't remove fundamentally, but at least give them all the facility. They have been living here for how many years? 70 years now. And this was a country which fought for the rights of the South Africans, Palestinians, the human rights in the UNO. And this is the country which is keeping people poor. Unjust, those who have come not on their own but because of compulsion of poverty. जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन ने कहा कि धारा 370 व अनुच्छेद 35A से जम्मू कश्मीर के आम लोगों को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने सुझाव दिया था कि सबको समान नागरिकता प्रदान करने की शर्त पर ही जम्मू कश्मीर को 100% वित्तीय मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हमें समाज में दबे कुचले के अधिकारों के लिए भी लड़ना चाहिए? दिस इज ए कंट्री विच हैज टॉकिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, किसे भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल्स, एवरीथिंग, यू आर स्केलिंग हायर एंड हायर होराइजंस ऑफ लिबर्टी, of constitutional liberalism, and trying to put our flag all over the world, how liberal we are. And hardly anyone mentions that this is the liberty which we are actually doing it on the ground.
एंड ऑल द प्रेस पीपल हु वर टोल्ड ऑल दीज थिंग्स दे हार्डली मेड एनी मेंशन अबाउट द लास्ट 50 70 इयर्स जस्ट कैजुअल मेंशन हियर एंड देयर एंड इफ आई सेड कि कश्मीरी पंडित आवर फ्रेंड्स हैव बीन किल्ड एंड व्हेन आई वेंट फॉर द सेकंड टाइम क्वाइट नंबर ऑफ देम हैड ऑलरेडी बीन पोर फेलो हैड बीन स्लॉटर्ड देन द आवर प्रेस आवर पीपल से ओहो जगमोहन साहब ने भगा दिया तो ये थोड़े ये तो बेचारे उनको गले लगा रहे थे आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ कंट्री कैन एवर सॉल्व ए प्रॉब्लम इट रिक्वायर्स अ फंडामेंटल चेंज ऑफ माइंड ए फंडामेंटल चेंज ऑफ अवेकनिंग यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स बाई मेयर लीगल थिंग्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वट यू हैव डन इज वेरी सिग्निफिकेंट लीगल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड टेल द पीपल बट आई डाउट whether these legality will solve the problems. These problem will be solved only when there is a fundamental change in mind and motivation of the nation. And nowhere else. And what about, is it all a politics of deception? All a politics of superficiality and casualness? Do you think that the poor of the Kashmiri masses have been benefited? Have these people who are living in Safakadal been benefited by the Article 370 or such like things? But they advocate, look, we are protecting the people. You are protecting your own interests. The oligarchs are protecting their own interests. And I will give you only one example which I have cited in the book. When the governor rules were there in 86, I went to street in every places, and Mr. Call is there, he will bear evidence to this. All these people found, yes, this is our problem that being solved. One day, there was a fire in the Safakadal area at night, midnight. I went there as a governor, and the people told me, sir, you have been doing this, but hum to dozak mein reh rahe hain, itni badbu aa rahi hai, ab dekhiye. I asked somebody, why there is so much of smell, very bad smell, you can't even stand. You call it waste, this you can't stand here, even 2 miles away from this. Because what I was told, they are dry latrines. All Safakadal had dry latrines at that time. Now, at that time, during the governor rule, I had sold a plot by auction. Obviously, a violation of Article 370, but I had the power because the governor had the power. A plot was sold for 50 lakhs. Because of these restrictions, they managed the things among themselves. But I cancelled it and put it to auction. Anybody can put in and participate in it, even person from outside India, outside Kashmir. Plot sold for 9 crores. And when these people were told by their adversaries to quietly go and demonstrate against Mr. Governor, that he is violating Article 370 by auctioning land, or bringing outside it, I told them, look, I had gone to your Safakadal, and some of them who came to meet me were from the Safakadal. You are living in high, in that hell. हाँ, हम तो सब दोजख में रह रहे थे. हम तो दो सौ में हैं अभी है, मैंने कहा देखिए ये जो 8.5 crore का फ़ायदा होगा ये मैं आपसे इसकी आपकी मैं यहाँ पे सीवर लगाऊंगा. आपको सीवर चाहिए या आर्टिकल 370 चाहिए? आप बोलो सीवर चाहते हो तो या आर्टिकल 370 चाहते हो? कि ये आप कहते हो कि मैं बाहर को वाले नहीं, ये जो इंटरमीडिएट बेनिफिट ले रहे हैं उनको मैं हटा रहा हूँ बीच में से. तो बहुत हाँ नहीं, हम तो चाहते. और उन दिनों में जब ये चीज़ें चली और लोगों को प्रॉपर तरीके से एजुकेट किया गया, देन दे रियलाइज दैट द पुअर पीपल आर नॉट बीइंग बेनिफिटेड बाय ऑल द ड्रामा दैट इज बीइंग क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 370 या 35. इज आर ऑल द वेस्टेड इंटरेस्ट्स.